Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwind by Braintrot Class 7 book today. So today we are starting Chapter 2, Fractions. Fractions you have done earlier in your previous class. So now let us see once again. So getting ready. While preparing a dish, it is not practical to weigh smaller amounts of ingredients such as sugar, salt, spices, oils and vanilla extract on a scale or in cups or bowls. जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं किचन में कुकिंग करते हैं तो ये नहीं कि हम उसको प्रॉपर अब मेज़र करने बैठेंगे कि हाँ कितना हमें उसको यूज़ करना है. तो उसमें हम क्या करते हैं, टेबल स्पूनस एंड टी स्पूनस वी यूज़ फॉर मेजिंग स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ इन्ग्रीडियंट्स. अगर हम चाय बनाते हैं, ओके, टू स्पूनस शुगर, राइट, वन स्पून टी लीव्स, तो इस हिसाब से हम बनाते हैं. हम ये तो नहीं कि उसको मेज़र करने जाएंगे अब, राइट. सो द टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ टी स्पून एंड टेबल स्पून. लाइक हियर दिस टेबल इज गिवन, लाइक वन, यू कैन सी वन गर्ल इज कुकिंग इन द किचन एंड हेयर एम एल टेबल स्पून एंड टी स्पून. सो 5 ml, 1 tablespoon like this, 15 ml, 3 tablespoon and 1 teaspoon like this. So, look at the chef cooking. He added 3/4 tablespoon salt to the dish for 1 serving. So now key question, one question is there. How much quantity of salt would the chef add for 2 such servings, right? So, यहाँ पे आपको 3/4 फॉर वन सर्विंग, तो टू सर्विंग के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा. तो ये चीज़ क्या है, दिस इज़ द फ्रैक्शन. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ इन प्रीवियस क्लास वी हैव रेड अबाउट फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. इन दिस क्लास वी विल लर्न टू मोर ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. लास्ट टाइम आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया है प्रीवियस क्लास में, अब हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे एंड डिवीजन भी करेंगे. सो फ्रैक्शंस, अ नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. जो नीचे नंबर होता है इट कांट बी जीरो. अगर वो जीरो हो जाएगा देन इट इज नॉट defined. So that's why condition is given, b is not equal to 0. This is called the fraction. A is numerator and b is the denominator. जो ऊपर होता है that is numerator और जो नीचे number होता है उसको हम बोलते हैं denominator. I hope you know these things, basic things, ये तो आपको पता है. Now, one info bit, one information is given over here. In mathematics, the set of all fraction, integers and negative of all fraction is called the set of rational number. And इसको हम कैसे लिखते हैं, Q से. ये आप पढ़ेंगे rational number के बारे में higher class में. Rational number होते क्या हैं, जब हम fraction को उनके negative भी ले लें और integers को, तो एक complete set बना दें, वो बन जाता है हमारा रेशनल नंबर्स. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शंस के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. यू नो वेरी वेल प्रॉपर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर, और यू कैन से न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. सो यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल, 3/10 है जैसे, 5/9 है, 1/3 है, एटसेट्रा. नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स के बराबर हो जाएगा या उससे बड़ा हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 13/12, 29/25 लाइक दिस. अब हम बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की. अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है,
जब उसके डिनोमिनेटर में, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए, दैट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, राइट? लाइक 6/10, 17/100, लाइक दिस. नाउ वल्गर फ्रैक्शन. वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? जो डेसिमल ना हो. मीन्स अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एटसेट्रा. जिसका डिनोमिनेटर 10 ना हो या 100 ना हो या 1000 ना हो. मीन्स लाइक हियर 9 है, 25 है, 53 है. सो दीज आर वल्गर फ्रैक्शन. फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू. यू हैव डन प्रीवियस इन प्रीवियस क्लासेस. सो नाउ द नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. जब हम एक नेचुरल नंबर को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है हमारा मिक्स्ड. ओके, लाइक 2 whole 3/5, 9 whole 4/7. और मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? इम्प्रॉपर में. और उसका क्या मेथड है, हाउ टू चेंज इट? लाइक 2 whole 3/5 है तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर एंड इस होल पार्ट को मल्टीप्लाई, यानी 2 into 5, और न्यूमरेटर को ऐड, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा जैसे इन्होंने दे रखा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगा? होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. सो व्हाट विल यू गेट? 2 5s are 10 प्लस 3/5 मीन्स 13/5. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल, अभी हम आगे इसको यूज़ करेंगे. सो द नेक्स्ट इज इक्विलेंट फ्रैक्शन. इक्विलेंट, जैसे कि नाम से इक्विलेंट मीन्स इक्वल. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स, देन ऑब्टेन फ्रैक्शन इज इक्विलेंट टू गिवन फ्रैक्शन. जब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी फ्रैक्शन के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका इक्विलेंट फ्रैक्शन. तो इस तरह से आप यू कैन फाइंड सो मैनी मीन्स इनफाइनाइट इक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन नंबर. लाइक वी हैव 4/7 और 4/7 का हमें इक्विलेंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. लाइक 4 into 2, 7 into 2, 4 into 3, 7 into 3, 4 into 5, 7 into 5, 4 into 6, 7 into 6. आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर एंड नीचे. सो यू आर गेटिंग द इक्विलेंट फ्रैक्शन. तो देखो आपके पास क्या आ गया, 8/14, 12/21, 20/35. तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर इक्विलेंट फ्रैक्शन, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, जिन फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम बट न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. आप देख सकते हो इसमें सबका डिनोमिनेटर, इन सब फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर 14 है. सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन. और अनलाइक फ्रैक्शन नेक्स्ट, अनलाइक क्या होगा, जो लाइक नहीं है, मींस जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट. सो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/5, 4/17, 9/16 एटसेट्रा. नाउ द नेक्स्ट इज इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. इररिड्यूसिबल मींस व्हाट, जिसको हम रिड्यूस ना कर सके, मीन्स जिसको हम और किसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से कट ना कर सके.
A fraction a by b is said to be irreducible, or in lowest term, if HCF of a and b is 1. Now the next is irreducible fraction means जिनको हम reduce ना कर पाए all lowest form में. A fraction a by b is said to be irreducible, or in lowest term, if HCF of a and b is 1. Means उनको हम आगे further cut नहीं कर सकते. That is the irreducible fraction. You can see some example like 2 by 3, आप इसको further cut नहीं कर सकते. 4 by 5, so these are irreducible fraction. Now the next is fraction in the lowest terms. A fraction is said to be in the lowest term if the HCF of the numerator and the denominator is 1. जैसे ये numbers आप इनको फर्दर कट नहीं कर सकते. सो दीज आर इन लोएस्ट टर्म्स. ओके, सो लाइक 9 by 24 कैन बी रिटन इन द लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ. अब 9 by 24 है, ये दोनों 3 से कट हो जाएंगे. ओके, सो आप क्या करेंगे, दैट इज 3 by 8 इज द लोएस्ट टर्म. ओके, नाउ हेयर check yourself. One box is given, 17 upon 51 equals to 1 upon dash. 17 की जगह 1 आ गया. 17 से 1 कैसे आएगा? अगर हम 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें नीचे भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. सो व्हाट विल यू गेट, 1 by 3. ओके, ऐसे आप बी पार्ट में देख सकते हैं 56 अपॉन 77 है. 77 से 11 कैसे आएगा? जब हम 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी आपने 7 से डिवाइड करना है, तो आंसर इज 8 by 11. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हैव बीन स्टडीड अर्लियर, so we just need to look back for revising the concept. Now addition and subtraction of like fraction. हम पहले बात कर रहे हैं like fraction के addition और subtraction की. So the first one, addition of like fraction, what to do? अगर like है means denominator same है, तो आपने simply numerator को add कर देना है. Add the numerators, write the sum over the same denominator. 5 by 7 plus 6 by 7 है, तो क्या बन जाएगा, 5 plus 6 upon 7, यानी 11 by 7. Okay, similarly, subtraction है, like fractions है, तो आपने क्या करना है, ऊपर के जो numerators है, उनको subtract कर दोगे, और denominator would be same. जैसे 8 by 15 minus 2 by 15 है, तो हम क्या करेंगे, 8 minus 2, 6 by 15. I hope it's clear to you, right? Any doubt? Okay, now addition and subtraction of unlike fraction. अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, unlike fractions, यानी जिनका denominator different है. So in that case, what to do? अब हमें क्या करना है उस केस में? The first one, addition of unlike fraction. Convert the given fraction to equivalent like fraction. पहले हम क्या कर देंगे? उनको like fraction बना देंगे. Then add the numerators and then write the sum over the same denominator. एक example लेते हैं हम, 1 by 7 and 13 by 14. These are unlike. तो आप क्या करोगे, पहले इनको equivalent में change करोगे. और equivalent हम कैसे बनाते हैं, इनका LCM ले लेंगे denominators का. तो 7 और 14 का LCM क्या होगा, that is 14. You know very well how to find LCM. तो आपके पास LCM क्या आ गया, 14. यानी आपने इसको भी change करना है denominator को 14 में, और ये तो already है. So what to do, अब 1 by 7 है, 1 by 7 यानी 7 into 2, तो ऊपर भी into 2 यानी 2 by 14. तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 by 14 और 13 by 14 तो हमें given है ही, तो इसमें तो हमें कोई change नहीं करना. So what to do? Like fraction बन गए,
simply add the numerator. So what are you getting? You are getting 15 by 14. Okay? Any problem? I hope it's clear to you. Aise check yourself some question given like this, addition of unlike fraction. So aap isko try kar sakte hain, right? Now, subtraction of unlike fraction, it is same. हमें unlike fraction को पहले change करना है equivalent fractions में and then हमें numerator को minus कर देना है. So, first step, convert the given fraction to equivalent like fractions, subtract the numerator and write the difference over the same denominator. Let us see, 8 by 15 minus 7 by 20 unlike है. 15 और 20 है, इसका LCM ले लो. LCM क्या आ गया? 60. So, 15 को 60 में change कैसे करेंगे? 15 into 4 and 8 into 4. Then, 20 into 3 and 7 into 3. So, 32 by 60 and 21 by 60. तो हम क्या करेंगे? 60 LCM. And 32 minus 21, that is 11 by 60. अब आपके पास क्या है? ये check yourself. यहाँ पे आप कर सकते हैं. This one calculation you can do. Okay, same. Now, addition and subtraction of mixed fraction. अब हम बात करते हैं mixed fraction की. So, how to add mixed fraction? Change the mixed fraction to improper. पहले हम change कर देंगे improper में, you know very well. और अभी मैंने आपको explain भी किया था कि किसी mixed को improper में change कैसे करते हैं. Then convert them into equivalent like fraction. फिर हम उनका LCM लेंगे denominator का, उनको change करेंगे like fractions में और फिर add the numerator and write the sum over the same denominator. आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं. वन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, 5 होल 1 बाय 3 प्लस 8 होल 2 बाय 7. तो चेंज कर दो इसको आप इम्प्रॉपर में. 5 3 जा 15 प्लस 1 16 बाय 3 प्लस 7 8 जा 56 प्लस 2 58 बाय 7. सो 3 एंड 7 आ गया हमारा डिनोमिनेटर में. तो अब हम क्या करेंगे? Change into like fraction. आप लेंगे इन दोनों का LCM. LCM is 21. अब 3 को 21 में change कैसे कर सकते हैं? 3 7s are 21. So, 3 into 7, 16 into 7. आपके पास आ गया 112 upon 21. Similarly, 58 upon 7 है. तो 7 into 3, 58 into 3. You are getting 174 upon 21. अब हम क्या करेंगे? Numerators को add कर देंगे. So, this is answer and denominator is 21. अब इसको आप change कर सकते हैं improper में. You know very well how to change into improper. Numerator को हम क्या करेंगे? Denominator से divide. So, 21 ones are 21. Then, 21 3s are 63. तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर 13 whole, 13 is quotient and 13 is remainder also. तो quotient को हम लिख देंगे as a whole part and fraction क्या बन जाएगा हमारा? 13 by 21. So this is a mixed fraction, right? ऐसे आपके पास कुछ question given है. You can try on your own, right? Now, the next is subtraction of mixed fraction. Same, हम change करेंगे mix को improper में, फिर उनको change करेंगे like fractions में, और फिर subtract कर देंगे numerators को. So, let us see this example, 2 whole 1 by 7 minus 1 whole 2 by 5. So, we are changing into improper, 15 by 7 minus 7 by 5. अब 7 और 5 है, take the LCM, LCM is 35. So, 15 into 5, 7 into 5, आपके पास आ गया 75 by 35 और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 49 by 35. हम कर देंगे दोनों को minus
ओके तो आंसर इज 26/35. नाउ चेक योर सेल्फ, यू कैन डू दिस वन ऑन योर ओन. नाउ वन पजल इज गिवन ओवर हियर. अ कलेक्शन ऑफ बोथ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैज 43 हेड्स एंड 120 फीट. हाउ मेनी बर्ड्स एंड हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द कलेक्शन. सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड सॉल्व इट. नाउ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल वन, राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट, 2/3 हमें फ्रैक्शन गिवन है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आएंगे? एज आई टोल्ड यू, या हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं. अब 2 और 3 तो किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो 4/6, फिर आप कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई. 2 × 3/3 × 3, 6/9. ओके, फिर आप 4 से कर सकते हो, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे ही 2 whole 3/7 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो. व्हाट आर यू गेटिंग? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज 17/7. हम इसको 2 से कर दें, 17 × 2 = 7 × 2 17 × 3 = 7 × 3 17 × 4 = 7 × 4. सो लाइक दिस. सो व्हाट वी आर गेटिंग? 34/14, 51/21. सो ऐसे आप कितने ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं. राइट, नाउ एग्जांपल टू, सिंप्लीफाई 2/3 + 3/4. अब आप देखो, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन, तो आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, दैट इज 12. 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12. तो 2/3 को अब हम चेंज कर देंगे विद द डिनोमिनेटर 12. तो कैसे करेंगे? 3 × 4 = 2 × 4 = यानी 8/12. अब आ जाओ 3/4 पे, 4 को कैसे चेंज करेंगे 12 में? 4 × 3 = 3 × 3 = 9/12. अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 17/12, और आंसर इज 1 whole 5/12. ऐसे आप बी पार्ट करेंगे, इसमें क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो हमने क्या करना है? चेंज करना है इम्प्रॉपर में. सो व्हाट आर यू गेटिंग? 10/7 + 5/2 + 4, तो 4/1 लिख दो उसको. अब अनलाइक है तो टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना आ गया? 14. तो अब चेंज कर दो लाइक में, तो आपके पास ये आ जाएंगे नंबर्स, एंड देन ऐड द न्यूमरेटर. और अगर उसको चेंज करना है मिक्स्ड में, सो वी कैन डू इट. सो इट्स वेरी इजी. सिमिलरली वन मेथड, ऑल्टरनेट मेथड इज गिवन ओवर हियर, सो यू कैन ट्राई दैट वन ऑल्सो. आई विल टेल यू लेटर ऑन. सो एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन टू लोवेस्ट फ्रैक्शन. अब ए पार्ट है 85/105. 85/105 को हमें लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसे कट कर दो. आप इसे कट कर सकते हो 5 से, तो आ जाएगा ये 17/21. अब आप फर्दर किसी और नंबर से इसे कट नहीं कर सकते हैं, तो आंसर इज 17/21. ऐसे -48/144 है. सो व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे? इन्हें कट कर दोगे. आप पहले 2 से कट कर सकते हो 24/72, फिर 2 से कर सकते हो 12/36. ओके, फिर आप 12 से कट कर सकते हो. सो आंसर इज 1/3. ओके, नाउ कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स, सम कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव डन. सो फ्रैक्शन इंटू होल नंबर इक्वल्स टू न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. किसी फ्रैक्शन को अगर हम किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं? आई विल लेट यू नो. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, देन ईच ऑफ देम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. अगर दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट 1 है
तो वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल. सो टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर. अभी ये सब हम आगे पढ़ेंगे. आई विल लेट यू नो अबाउट दीज पॉइंट्स. सो लेट अस सी हेयर एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट 3/8. अब 3/8 का हमें फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं. तो यू नो वेरी वेल हाउ टू डू. एज आई टोल्ड यू, मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से 6/16. 3 से कर दो 9/24. 4 से कर दो 12/32. ऐसे, ठीक है. ऐसे आपके पास सेकेंड है ऐड दीज फ्रैक्शन. सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन. थर्ड में भी आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन. सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. लाइक द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 18. इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 18 मिल जाए. तो हम क्या करेंगे, जो आंसर है, जो वैल्यू है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे. राइट, सो यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन. Now we are doing multiplication of fraction. To understand the multiplication of fraction, let us take an example. 1/2 into 1/3 or 1/2 of 1/3. So here we find that when we multiply the two fraction, the numerator is multiplied by the numerator and the denominator is multiplied by the denominator. हमें कैसे multiply करना है? Numerator को numerator के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. लाइक यू कैन सी 6/10 इंटू 2/11. तो 6 × 2 = 10 × 11. तो 12/110. और यहाँ पे 3/7 इंटू 2/13 है. तो आप 3 × 2 = 7 × 13, दैट इज 6/91. सो इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. सो देयर इज वन ग्रुप एक्टिविटी गिवन, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. Now here multiplication of two mixed fraction. Convert the given mixed fraction into improper fraction. अगर mixed fraction है तो पहले हमें change करना है improper में, and then the same way multiply numerator by numerator and denominator by denominator. Look at one example. 3 whole 1/7 into 2 whole 1/5. Change कर दिया improper में. अब आप क्या देखेंगे, 22 × 11 को मल्टीप्लाई कर दो और 7 × 5 को. तो यू आर गेटिंग दिस आंसर. और फिर इसको हम चेंज कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ बी श्योर द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म. जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो लोएस्ट टर्म में होना चाहिए वो फ्रैक्शन. जब भी हम आंसर देते हैं किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो दैट मस्ट बी इन द लोएस्ट फॉर्म. नाउ इन्फोबिट इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईदर फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर्स, यू कैन सिंप्लीफाई इट बिफोर मल्टीप्लाइंग. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इट्स नॉट गिवन. आई एम टेलिंग यू लाइक हेयर 2/5 × 15/6 है. तो आपने क्या करना है, आप पहले चाहे मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में उसको चेंज कर लोएस्ट टर्म में. लेकिन इट वुड बी इजी अगर आप पहले ही कट कर दो. लाइक 2 और 6 कट होते हैं 2 के टेबल में. तो 2 1s are 2, 2 3s are 6. ओके, 5 1s are 5, 5 3s are 15. और 3 और 3 कैंसिल हो गए. सो आंसर इज 1. तो उसको हम पहले भी कट कर सकते हैं. द सेम थिंग दे आर मेंशनिंग ओवर हियर. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईदर फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर्स, यू कैन सिंप्लीफाई इट बिफोर मल्टीप्लाइंग. तो एग्जैक्ट वे ये है, आप उसे पहले कैंसिल कर दो एंड देन गिव द आंसर. राइट, नाउ लेट अस सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं. नाउ वी आर डूइंग ऑफ एज एन ऑपरेटर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. जॉनी हैड 16 मार्बल्स. ही गेव हाफ ऑफ हिज मार्बल्स टू हिज फ्रेंड दीपू. एंड टोनी एट 10 टॉफीज एंड सलमा एट ओनली 2/5 ऑफ वॉट टोनी एट.
सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच स्टेटमेंट्स इन डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं सो विच एक्चुअली इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन. सो ऑफ मीन मल्टीप्लाई. जॉनी के पास 16 है तो दीपू के पास हाफ ऑफ वॉट जॉनी हैड. हाफ ऑफ 16 मीन्स हाफ ऑफ 16 दैट इज 8. 1/2 इंटू 16 सो इट इज 8. ऐसे ही टोनी ने 10 टॉफीज खाई हैं और सलमा ने 2/5 ऑफ वॉट टोनी एट. सो 2/5 ऑफ 10, 2/5 इंटू 10 मीन्स 4 टॉफीज. तो ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई. आपको बस याद रखना है कि जहाँ पे भी ऑफ होगा वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. किसी फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? उसका उल्टा. जैसे a बाय बी एक फ्रैक्शन है तो b बाय ए उसका क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल. लाइक 2/3 है तो 3/2 इज द रेसिप्रोकल. 4/7 है तो 7/4 इज द रेसिप्रोकल. द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्रैक्शन. द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज 1/x. लाइक अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x. अगर 2 है तो 1/2. अगर 4 है तो 1/4. लाइक दिस. ओके, तो अगर हम किसी फ्रैक्शन को और उसके रेसिप्रोकल को यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 1. ओके, जैसे 2/9 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 9/2. आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 1. जैसे 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 3/1. तो आंसर इज 1. 6/5 है, इंटू 5/6 करोगे दैट इज 1. सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. नाउ बी श्योर द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1 एंड दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 1, 7 × 2/3. अब चेक करो कोई नंबर कैंसिल तो नहीं होता? नो. सो 7 × 2/3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे सो आंसर इज 14/3 एंड चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ऐसे 3 × 1/6 है, यहाँ पे आप कट कर सकते हो 3 एंड 6 को सो आंसर इज 1/2. ओके, एंड सी पार्ट है 6 whole 1/5 × 2 whole 1/3. चेंज कर दो इम्प्रॉपर में. ओके, कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं सो व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. ओके, नाउ एग्जांपल टू फाइंड ए पार्ट 2/3 ऑफ 18. सो 2/3 × 18 तो हम क्या करेंगे? 3 6, सो 6 × 2 दैट इज 12. ऐसे यहाँ पर क्या है? 1/4 ऑफ 16, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 16 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर इज 4. ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. नाउ एग्जाम्पल 3, इवेल्युएट दिस. अब आपके पास 4 फ्रैक्शंस हैं तो पहले आप इसको जो भी मिक्स्ड है उसको चेंज कर दो इम्प्रॉपर में. तो 4 whole 3/5 मीन्स 23/5 सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा. थर्ड को भी चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 121/6 एंड फोर्थ को चेंज करेंगे तो 4/3. नाउ व्हाट टू डू? सब फ्रैक्शंस को ऐसे लिख दिया हमने. अब पहले चेक करो कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है. यस, 5 3 ओके, देन 3 से 3 कट जाएगा. ओके, नाउ 4 and 6 है, 2 2 4, 2 3 6 और 22 and 121 11 से कट जाएंगे. 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या बचेगा? 23 × 11/3. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी. नाउ एग्जाम्पल 4, इवेल्युएट दिस वन. 1/6 × 1 whole 4/5 प्लस 2 whole 1/2 × 6/7. तो जहाँ पे भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है चेंज कर दो इम्प्रॉपर में, राइट?
तो हमने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर में, वी आर गेटिंग दिस. अब मल्टीप्लाई और एडिशन है, तो आपको पता है पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, यानी पहले देख लो इनको सिंप्लीफाई कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो व्हाट आर यू गेटिंग इन फर्स्ट फ्रैक्शन? यू आर गेटिंग 9/30 और सेकंड में आ रहा है 30/14. ओके, तो आपके पास जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया फर्दर तो हमारे पास ये आ गए 3/10 प्लस 15/7. अब इनको हम ऐड कैसे करेंगे? यू नो वेरी वेल, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यानी एलसीएम लेके. सो आंसर इज दिस वन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो एक्सरसाइज 2.2 इज बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. नाउ वी आर कमिंग टू डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम बात करते हैं डिवीजन की. डिवीजन इज ऑल्सो वेरी ईजी, बस इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है. टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. हमें क्या करना है, जब भी हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से, तो हम डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो फ्रैक्शन है सेकेंड नंबर है उसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल. ये बन जाएगा a इंटू सी बाई बी. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल 4/2/3. हमारे पास क्या है 4/2/3. सो 4 × 3/2 कर दो, कट कर दो, आंसर इज 6. 9/1/7 तो 9 × 7 दैट इज 63. 15/3/15 सो 15 × आपके पास आ जाएगा 15/3. आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट. सो बस आपको ये याद रखना है कि आप जो सेकंड वाला है उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है. जैसे यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया एक होल नंबर से, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को तो एज इट इज रखेंगे और जो सेकंड होल नंबर है उसका ले लेंगे रेसिप्रोकल. लाइक हियर एग्जांपल 2/5/8. तो हमने क्या किया 2/5 × 1/8. तो आप इसे कट कर सकते हैं 2/4, तो यू आर गेटिंग 1/20. ऐसे यहाँ पे 3/8/12 है तो × 1/12 बन जाएगा. 3/8 एज इट इज रहेगा. इसको हम सॉल्व करेंगे, वी आर गेटिंग 1/32. सो इसीलिए अगर हमें एक फ्रैक्शन को किसी अनदर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन. जो भी सेकेंड है, चाहे वो होल नंबर है या फ्रैक्शन है, हमें क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है. जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है 2/1/5/6/11. तो पहले इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में 11/5/6/11. अब डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया 11/6. सो अब देर इज नो कटिंग पॉसिबल. सो 11 × 11 = 121, 5 × 6 = 30. हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स्ड में, राइट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 1. A basket has 108 fruits, out of which 2/3 are apples, 1/6 are bananas, and the remaining are mangoes. How many apples, bananas, and mangoes are there in the basket? So total is 108. Apples कितने होंगे? 2/3 of 108. 2/3 of total. So 2/3 of 108. And of का मतलब आपको पता है? मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे 3 और 108 यू कैन कैंसिल इट बाय 3 3 3 = 9, 3 6 = 18. तो 2 × 36 आंसर इज 72. ऐसे नंबर ऑफ बनानास 1/6 ऑफ टोटल, 1/6 ऑफ 108, कट कर दोगे 6 से, 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48, सो आंसर इज 18.
तो आपके पास एप्पल्स भी आ गए, बनानास भी आ गए, और मैंगोज क्या है, रिमेनिंग, यानी टोटल में से इन दोनों का सम माइनस कर दो. सो आंसर इज 18. तो 72 एप्पल्स, 18 बनानास एंड 18 मैंगोज. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ एग्जाम्पल 2. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन 45 होल 1 बाय 2 मीटर एंड 34 होल 3 बाय 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का. यू मस्ट नो द फॉर्मूला. सो पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, लेंथ आपको पता है 45 होल 1 बाय 2, चेंज कर दो आप इसको मिक्स्ड में, सो 91 बाय 2, एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क 34 होल 3 बाय 4, सो दैट इज 139 बाय 4. अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को. सो 2 इंटू 91 बाय 2 प्लस 139 बाय 4. आप ऐड करेंगे फ्रैक्शन को कैसे, यू नो वेरी वेल, अनलाइक है, टेक द एलसीएम. तो हमने एलसीएम लेके यानी इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, वी आर गेटिंग दिस वन. ओके, अब आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं 2 और 4. ओके, तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर आप इनको ऐड कर दो. सो आंसर इज 160 होल 1 बाय 2 मीटर, दैट इज द पेरीमीटर. नाउ एग्जाम्पल 3. 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट रुपीज 117. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर. आपके पास 6 लीटर मिल्क की कॉस्ट गिवन है, 1 लीटर की कैसे फाइंड करेंगे. तो 1 मीन्स कम, और कम के लिए हम क्या करते हैं, डिविजन. सो कॉस्ट ऑफ 6 लीटर 117. सो 1 लीटर 117 डिवाइड बाय 6. सो हम इसे कर देंगे डिवाइड बाय 6, या पहले आप 3 से कट कर दो. 3 2 6, 3 3 9, एंड 3 9 27. सो 39 बाय 2, और हम इसको फिर चेंज कर देंगे मिक्स्ड में, दैट इज 19 होल 1 बाय 2. ओके, नाउ एग्जाम्पल 4. अशोक बायस 3.5 kg ऑफ पोटैटो फॉर रुपीज दिस 34 होल 3 बाय 10. वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ पोटैटोज. अब उसके लिए पहले आप कॉस्ट ऑफ 1 kg निकालोगे. तो जो भी हमें चीज़ फाइंड करनी है, जो भी हमें कुछ भी फाइंड करना है, दैट विल बी ऑन द राइट साइड. तो कॉस्ट ऑफ 3.5 kg इज दिस रुपीज 34 होल 3 बाय 10. चेंज कर दो इसको इम्प्रॉपर में. देन पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg. तो 1 के लिए डिवाइड करेंगे, यानी दिस मनी डिवाइडेड बाय 3.5 मीन 7 बाय 2. तो 300. सो 343/10 डिवाइड बाय 7 बाय 2. तो आप डिवाइड को चेंज कर दोगे मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल ले लोगे 2 बाय 7. आप चाहे यहाँ पे से कैलकुलेट करो, और यू कैन लीव इट लाइक दिस, या ऐसे ही छोड़ दो अभी, क्योंकि हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है. सो कॉस्ट ऑफ 5 kg मल्टीप्लाई मीन्स मोर मल्टीप्लाई बाय 5. तो जो भी ये वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. सो आंसर इज 49. ओके, नाउ एग्जाम्पल 5. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 27 बाय 14. इफ वन ऑफ देम इज 1 होल 2 बाय 7, फाइंड द अदर. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है, 1 नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे द फर्स्ट नंबर से. देखो, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6 है, एंड वी से 1 नंबर इज 2, इट मीन्स सपोज 2 × x = 6. तो सेकेंड नंबर क्या होगा, यानी 6 डिवाइड बाय 2. इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे 1 नंबर से, यानी 27 बाय 14 डिवाइडेड बाय 9 बाय 7. सो डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन द सेकेंड वन, 7 बाय 9. अब आप कट कर सकते हैं, 9 3s एंड 7 2s. सो आंसर इज 3 बाय 2. नाउ कॉन्सेप्ट हाईलाइट, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. 0 का रेसिप्रोकल
नहीं होता. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन, वन का उल्टा वन ही होता है. इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन वन, अगर कोई नंबर वन से बड़ा है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन वन. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन से छोटा. एंड इफ द नंबर इज लेस देन वन, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन से बड़ा. राइट, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ हियर एक्सरसाइज 2.4 इज गिवन बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. एंड वन लाइफ स्किल गिवन ओवर हियर, अनुष्का वॉक्स 5 by 4 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स. हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर इन 1 आवर. यू कैन डू सो डिवीजन. So what are the benefits of walking? You know very well, walking is very good for our health. If we have to be fit and fine, walking is the best. Okay, अगर आप 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes walk कर लेते हैं, तो it means you are doing a great job in your life. तो हमें fit रहने के लिए exercise is must. Okay, so now we are coming to MCQ. Take the correct option in each of the following. Like the first one, some fractions given, hume find karna hai. These are which type of fraction? 2 by 3, 4 by 6, 6 by 9, 8 by 12. So these are equivalent fractions. Okay, because 2 into 2, 4, 3 into 2, 6. 2 3s are 6, 3 3s are 9. So these are equivalent fraction. The second one, 36 divided by 1 by 4. Yani 36 into 4 by 1. So ye kya jayega hamare paas? 144. I hope it's clear to you. Now the third one. Now third question. Reciprocal of 1 whole 3 by 4. That is 7 by 4. Its reciprocal is 4 by 7. It is not in the option. So answer is none of these. The fourth one, by what number should this be multiplied to get this result? So ye number kya aayega hamare paas? 13 by 5 multiply by x. Result kya aana chahiye? 13 by 7. To humne x find karna hai. Yani 13 by 5 ko hum idhar shift kar denge. To ye kya ban jayega? 5 by 13. So answer is 5 by 7. B part. Right? Now the fifth one, which of the following statement is true? Hume compare karna hai. Do fractions given hai. To aap compare kar sakte hai kaise? Cross multiply karke. Aapke paas kya aayega? 9 into 24. 216. Okay. And 13 into 16. आपके पास क्या आएगा, ये 208. ओके, सो विच वन इज बिगर? सो 9 बाय 16, विच वन इज ट्रू? दीज आर नॉट इक्वल, सो दिस वन इज बिगर. सो यू कैन राइट. ओके, नाउ सिक्स्थ वन, बाय व्हाट नंबर शुड 1.5 बी डिवाइडेड टू गेट 2/3? किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये आ जाए? ओके, जैसे हम कहते हैं कि 42 को किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए. 42 को हम किससे डिवाइड करें, रिजल्ट 7 आ जाए. तो आप क्या कर सकते हो, 42 को 7 से डिवाइड करके देख लो. तो सेम हियर, इस नंबर को यानी 3/2 को हम डिवाइड कर देंगे 2/3 से. ओके, तो आपके पास क्या आएगा, 3/2 इंटू 3/2 यानी 9/4. यानी दिस ऑप्शन 2 whole 1/4. ओके, नाउ द सेवेंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, 3/10. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर? इनमें इम्प्रॉपर कौन सा है, दैट इज 9/7. इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे बड़ा हो. द नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन? किसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो आप चेक कर सकते हैं किसको हम कट कर सकते हैं.
okay, and then some question based on critical thinking and life skills and subject integration. You can try these sums on your own. And the one is 13th question, analyze error. Sunny was solving a problem below. Ek child ek problem ko solve karta hai. That problem is 4 whole 1 by 5 divided by 2 whole 1 by 3. Isko usne change kar diya improper mein. 21 by 5. It should be 21 by 5 divided by 7 by 3. But isne kya kiya? Divide ki jagah multiply laga diya. So this is the error. Hum isme se identify the error find karna hai. To ye error hai. Yahan pe kya aana chahiye? Division. अब उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 21 by 5 into 3 by 7 तो ये हमारा आंसर आएगा 9 by 5 यानी 1 whole 4 by 5 सो दिस इज रॉन्ग ओके नाउ सम क्वेश्चन ऑफ मेंटल मास गिवन यू कैन ट्राई दीज वन ऑन योर ओन ट्रू एंड फॉल्स एंड एजरेशन एंड रीजनिंग ऑल्सो गिवन यू कैन गो थ्रू दीज technology integration and comprehension exercise so and the next is this one also you can try these one on your own now some technology integration given comprehension exercise you can try these one on your own like this right so I hope it's clear to you you can go through the chapter and any problem then we can discuss it so thank you for watching this video stay connected with us till the next video Have a nice day. Take care.